तत्स विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो बोलो गायत्री मात की जय। अबे बोलो बंबा महाराज की। अरे नहीं नहीं बंबा महाराज की। ऊपर ही जा बस थवा आयु छे। ओ माय डियर अंबे माँ, आप तो जानती है ना, जब से दिल्ली जाने का सिलेक्शन हुआ ना, तब से मेरे दिल के पीछे वाले चौक में तितलियां उड़ने लग गई थी। इतनी मोटे शहर जाऊंगी, मेहनत से काम करूंगी, मेरे पापा की फरसान शॉप को ना एकदम सख्त शोरूम बनाऊंगी। जब एक्चुअली में जाने का टाइम आया ना, दिल में एक भी तितली नहीं उड़ रही है। वो क्या है ना, घर से पहली बार दूर अकेले अकेले। पहली बार ऐसे शुभ कदम लाई थी मरी डिंगली कि मुझे दोबारा माँ बनने का सौभाग्य मिला। बम्बे ने जन्म लिया और आज मरी डिंगली को दूर भेजते हुए सरस मीनर, एक ही दिन की तो बात है। मेरे गले में डर सा अटक रहा है, पर आप कंपनी देते रहे ना, मैं डर कटक रही। मीनल सेजल जल्दी करो। उबी रे हले हले। दादी की उम्र बा, अनजाने शहर में जाकर अच्छे से रखन पट्टी कर लेना हो। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, सेजल ने रखन लेने होटल मैनेजमेंट कोर्स की इंटर्नशिप करने जा रही है, और वो भी दिल्ली के सबसे हाई फाई घर में, मतलब और बाकी तानों को ये भी बता दे मेरे बम्बे के नंदाओं के घर में, जहाँ देश दुनिया के मोटे मोटे लोग मिलने जुलने आते हैं ना, वहीं अपनी सेजल के भी कदम पड़ने वाले हैं। अरे थोड़ा तो गर्व करो माती लाडली पे। और सेजल सरत को ताड़िया, दिल्ली जाके जामनगर की टीआरपी 2 दिन में बढ़ा के आ जाएगी बा। टीआरपी एटले शू? हाँ टीआरपी माने रेटिंग पॉइंट। सीरियल की हो की अपनी, कभी कम नहीं होनी चाहिए। जितिन भाई ने भेजा सेजल बहन के लिए, थैंक यू बोल देना। अब हुआ ना गुड बाय का प्रोग्राम पूरा। अरे घड़ी पर ध्यान रख, जल्दी कर, सब कुछ मेरे को ही बताना पड़ता है। चल अबे बंदू खबर छे माँ, सब कुछ अंदर कंट्रोल है। लो कर लो गरबा। सॉरी तितर बितर वर्ड तो सुना होगा सर आपने, उसका गिरता पड़ता एग्जाम्पल है ये सेजल। वाह अम्बे माँ, आप यहाँ हैं तो मेरा 1 दिन के होटल मैनेजमेंट का इंटर्नशिप ना अच्छे से पूरा होगा। किलो फापड़े जितना भारी तो हो गई ये झूमर। मैं यही झूमर हीरो के सर पे घिता है, और हीरो काम वाले को भी काफी पगार देनी पड़ती होगी। पूरे घर के झाड़ू पोछे में कमर का चुमर। आप गोल्डन एजेंसी से? यस सर, फ्रॉम जामनगर, सेजल सरस कोटाड़िया, दिव्य शक्ति होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, रोल नंबर 37। पूछा नहीं, बेहतर होगा आप अपनी टीम के साथ रहे। और मेरी टीम गई कहाँ? ओह, थैंक यू सर, सॉरी। एक चिकन मोमो देना। चिकन? हाँ चिकन। ए चिकन, ए चिकन, तू नहीं रहे, तू जा, तू जा।
ठीक है, चाहेला भाग्य लगता है। मैं काम करता है, जैसे पकड़ में आता है ना उसका मस्त मोमो वीमो बनाता है और आपको नोटिफिकेशन डालता है। ओके ओके चाहेला। तुम बार एरिया संभालोगे और तुम किचन का काम करोगे और तुम इस तरफ, तुम्हें वहां साफ सफाई करना है, समझे? साइलेंस। ये क्या चीप सी लेगिंग्स पहनी है? ये दिल्ली की हाई क्लास पार्टी है, जाओ जाकर चेंज करके आओ। सो वो एक्चुअली मैंने लाइफ में कभी इतनी छोटी स्कर्ट पहनी नहीं है ना, इसीलिए ये तुम्हारा छोटा सा गांव नहीं है, जो चाहे चला लो। सो गले में एक छोटा सा सवाल अटक रहा है, आज जो काम करना है उसकी पढ़ाई तो मैंने की है, फिर हाई स्टैंडर्ड की उम्मीद मेरे स्कर्ट से क्यों? एग्जाम में मेरी स्कर्ट नहीं, मैं बैठी थी। तुम ना। सो गटक लिया, अभी जल्दी से चेंज करती हूँ, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। अगर पूरे कपड़े पहनने हैं ना तो इस फील्ड में आओ ही मत, मेरी स्कर्ट पहनो, ऐसे करो वैसे करो। मम्मी। खड़ूस मैनेजर कहते हैं चीप लेनिंग्स। चीप? 500 रुपए की खरीदी थी विदाउट डिस्काउंट, मम्मी को पता चलेगा ना तो भड़क जाएगी। और कहता है जामनगर छोटा गांव है, जामनगर छोटा गांव है, शहर बन गया है जामनगर। इतना छोटा? ए अम्मे माँ, ये क्या करवा रहे हो आप मुझसे? ये नहीं खुलेगा मम्मी। इतनी बड़ी हिल्स, आज तो खाकरा जलने वाला है सेजल। जल्दी जल्दी सेजल, मैनेजर आ गया ना तो हो गया। ओह माय डियर अम्मे मां, ये क्या है? अगर ये किसी का रूम है तो यहाँ पर ये टायर क्यों? और अगर ये घर आ जाए तो यहाँ पर शेर का पतला क्यों? कबर्ड इतना बड़ा, कितने कपड़े आते होंगे इसमें? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम क्या करते हो और कैसे करते हो? I want everything to be perfect. एक भी चीज इधर की उधर हुई तो यू विल बी फायर्ड। और तुम जानते हो मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। शेरा अंकल, शेरा अंकल। हाँ बेटे। आप जानते हैं ना कि मेरे कमरे में कोई आए मेरी चीजों को छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बेटा जी, हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं। फोटो फ्रेम ने खुद ही अपनी जगह बदल ली होगी। नंदास के गेस्ट फिल्टर का गवार पानी पिएंगे क्या? फिल्टर का पानी गवार होता है? स्पार्कलिंग वाटर ने क्या पीएचडी की है? और ये क्या है? Who got this? White gypsophilia flowers order किए थे मैंने। पार्टी का डेकोर दिखाई दे रहा है? Everything is white and gold. सब कुछ white और gold चाहिए मुझे। Do you understand?
सब कुछ वाइट एंड गोल्ड ही तो है। गॉड, पूल देखो। आई वांट द पूल रेडी, अदरवाइज यू आर फायर्ड। ओके मैम, तुम निकलो और पूल एरिया क्लियर करो। लेकिन पूल क्लीनिंग तो सिलेबस में है ही नहीं सर। आई जस्ट सेड गो। ओके सर, ओके ओके। आप सब लोग अंदर आइए, चलिए इधर। ए अम्बे मां, ये जेल के कैदियों को बेड़ियां क्यों पहनाते हैं? मिनी स्कर्ट पहना दो, भागना तो बहुत दूर की बात है, चल भी नहीं पाएंगे। ए अम्बे मां, इतनी परीक्षा क्यों ले रही हो? जी सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जैसे ही पार्टी में सब बिजी हो जाएंगे वैसे ही मैं अपना काम चुपके से शुरू कर दूंगा। चुपके? छोड़ सेजल, छोड़, अपने काम पे ध्यान दे वाइडी, वरना बम्बे को क्या बोलेगी? अखा टाइम स्विमिंग पूल सर की सेवा कर रही थी, तेरी टीआरपी गिर जाएगी। प्रिंस, आई होप पूल का पानी साफ है और पूल रेडी है। भाग से चल, छुप जा छुप जा। याद मत करो। कहते हैं कि हिचकी आती है तो पानी पीना चाहिए। कौन सा पानी पीऊं? गवारो वाला फिल्टर का पानी या तुम्हारा पीएचडी वाला स्पार्कलिंग वाटर जो आपके घर के स्टैंडर्ड को सूट करता है? इस घर के स्टैंडर्ड के साथ मेरी रात को मीटिंग है, उसके बाद बताऊं। I'm sorry. वो क्या है ना, आपकी दिल्ली मेरी जान नगर से थोड़ी अलग है। यहाँ पर कपड़े अच्छे तो लोग महंगे, कपड़े सादे तो लोग सस्ते। आज मेरा पूरा करियर ये 3 मीटर की स्कर्ट डाव पे लगा के बैठी। ये सवाल मेरे गले में अटका है पर मैं गटक नहीं पा रही हूँ। देखो, मेरी दिल्ली इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ा वक्त और बिताओगी ना तो दिल्ली खुद ही बता देगी। ना रे बाबा ना, ये किशाम इतनी भारी पड़ रही है मुझे। दिल्ली के दिल से मेरे जामनगरी मगज का कोई लेना देना ही नहीं है। अभी इससे काम चला लेती हूँ, फिर बाद में लेगिंग्स पहन लूंगी। रुक, कपड़े सादे तो लोग सस्ते, क्या बात है। हाय, आप रेडी नहीं हुए अभी तक? किस लिए? हाय, मॉम डैड की एनिवर्सरी पार्टी है। मॉम डैड होने का मतलब क्या होता है जानते हैं वो दोनों? भाई भाई भाई, ये आर्गुमेंट का टाइम नहीं है अभी। हम एक काम करते हैं, आप बस सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ। दृष्टि, आई प्रॉमिस मैं आपको नहीं रोकूंगी, आई प्रॉमिस। आओगे ना? पार्टी की थीम वाइट है ना? वाइट। घर के अंदर सीसीटीवी नहीं है, हमारे पास कोई अपडेट नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। हमें एक कदम आगे रहना ही होगा। कुछ देर में पार्टी शुरू हो जाएगी और सेजल का अल्टीमेट टेस्ट भी। हे अम्बे मां, आप कोई खाकर जल नहीं मर देना। पता नहीं मम्मी पापा बाओ और बम्बे को क्या जवाब दूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लेट्स चीयर फॉर द एनिवर्सरी कपल। प्लीज वेलकम द रैविशिंग कपल, अरुण एंड वीरा नंदा। Happy anniversary, Mom and Dad. जीते रहो बेटा, जीते रहो। What's a party?
What a party, I must say. Yeah. Thank you so much, beta. Congratulations, आप दोनों को. Thank you. अरे भाई ये क्या है? This is for you. मेरी क्लासी मॉम-इन-लॉ को किसी की नजर ना लगे. Wow. So thoughtful. अरे भाई शॉल कहाँ है? मेरा नजर बट्टू तो वही है ना. Hey you. Repeat. Yes sir. अभी तो यहीं थे. मैं ढूंढ के लाती हूँ. I'll just fetch him. Please mingle. Enjoy. अब्रॉड से 15 लाख रुपए के फूल इंपोर्ट हुए हैं. आज बस रुपए खर्च हुए हैं, इमोशंस नहीं. लार्ज जाओ तुम यहां से. Hey, beautiful. तुम्हें पता है ना, तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो. शेर, डैड रिटायरमेंट के बाद अपनी चेयर आपको देते हैं. उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उन्हें लाखों के गिफ्ट्स दे रही हूँ, 2 महीने से ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. आप एक पैग नहीं छोड़ पा रहे. स्वीट हार्ट, ये जो मेरा पेओ है ना, बहुत पुराना चावल है. देखना है दिखावे पकड़ ना ले, बिकॉज इट विल बी अ डिजास्टर. घोष लो बाबा. लिसन, कंपनी की चेयर के लिए ना आपकी रेस योहान के साथ है, और वो कुछ भी है स्लो तो नहीं. क्रिस भी तो है. वो ना के बराबर है. डैड कहाँ हो? भूल तो नहीं गए आज हमारा एनिवर्सरी है. कांग्रेचुलेशंस डैड. थैंक यू. Woohoo! What a party! I am impressed, man. Beta, whiskey on the rocks. Brother-in-law, पहले बता देते कि ये पहन के आ रहे हो. हम केक ऑर्डर ही नहीं करते, हाँ? क्या है ना sister-in-law? I just really wanted to look like a piece of cake. ये नहीं सुधरेगा. बिल्कुल. अरे प्रताप सर, आइए. अरे बहुत इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू. हीरा को तो आप जानते ही हैं. ये मेरा बड़ा बेटा शेर, और ये इनकी वाइफ और मेरी बहू शालिनी, और ये हीरा और मेरा बेटा क्रिश, और ये दृष्टि. मैं ये सोच रही थी कि केक कटिंग से पहले क्यों ना एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए प्रताप सर के साथ. ब्रिलियंट आइडिया, क्या कहते हैं आप? क्यों नहीं, ये हुई ना बात. आई आई प्लीज आई. दृष्टि आओ ना बच्चा, कम. अरे शेर, योहान भाई का वेट करें. फोटोग्राफ इसी साल खींचनी है. थोड़ा सा अंदर आ. अब पार्टी में धमाके वाला ट्विस्ट लाने का वक्त आ गया है. नेक्स्ट टाइम डिजाइनर सारी शॉप कर लेंगे, पल्लू में सारी इंफेक्शंस छूट जाएंगी. माय डियर भाभी, आपका हो गया हो तो मैं शुरू करूं?
इसको अंदर किसने आने दिया ऐसे? कौन है लड़का? किसी घर का बेटा है। तो कपड़े नहीं? Let me correct you. मेरी बहन परफेक्ट है। सुना आप लोगों ने? मेरी बहन परफेक्ट है। मेरी माँ आरती नंदा की तरह। अगर इस पार्टी में कोई इम्परफेक्ट है ना, तो वो ये लोग हैं। जी हाँ, ये मेरी माँ की बहन वीरा, इम्परफेक्ट। मेरे माँ के पति अरुण नंदा, इम्परफेक्ट। जिन्होंने मेरी माँ के मरने का 6 महीने भी वेट नहीं किया और शादी का बैंड बजा दिया। और हाँ, फिर उसके बाद अपने बेटे का धूमधाम से बर्थडे भी मनाने लगे। हाँ, that reminds me of one more thing. क्रिश, मुझे एक बात बता। समझ में नहीं आता है कि तुझे कजन बोलूं या भाई बोलूं। वो क्या है ना कि तू मेरी मासी का भी बेटा है और मेरे पापा का भी बेटा है। नेट पे चेक करते हैं। निकाल, फोन निकाल। हाँ क्रिश, जाओ और कपड़े बदल लो। इस पार्टी की थीम क्या है? व्हाइट, एम आई राइट? व्हाइट। आपके सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूं मैं। आफ्टर ऑल आपकी एनिवर्सरी है ना। That reminds me of one more thing. Happy anniversary. मेरे स्वर्गीय माँ की तरफ से आपको लख लख बधाइयां हो। अब हुई ना ये धमाकेदार पार्टी कंप्लीट। You fools! Where is that damn ice? Shell! Relax, ice है. Ice, let's go. Hey, ice? हाँ. कहाँ पे ice? Let's go. आप लोग लाए हैं ice अपने घर से? Relax. Where's the ice? है बाबा, come. It's in your purse, right? Come, बाबा. Let's go. Give me the ice. Shell, don't please create a scene, Shell. Please, Shell, please. Please. I'm begging you. Please. सामने से आते हुए लोग नहीं दिखाई देते? मैम, मैंने देखा पर आपने नहीं दिखा, लेकिन मैंने आपकी ट्रेन नहीं गिनने दी और कोई घाटा भी नहीं हुआ। व्हाट इज घाटा? मैनेजर, मैम, मैनेजर, मैम, ये कैसी चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है लड़की? हाँ, घाटा हिंदी वर्ड है, चीप नहीं। शट अप, यू आर फायर्ड। और मैम, मैंने गेट आउट। जाओ अभी के अभी जाओ। अरे देवा, हे हाँ बोलो सर। जैसे आप मीटिंग के लिए निकले, यहाँ रसमलाई का दूध तो फट गया सर। मतलब तेजल पार्टी खत्म होने से पहले घर से निकल रही है अपना सामान लेके, वो भी बैक गेट से। लगता है उसको काम पे से निकाल दिया। अच्छा, क्या करेगा? प्लान कैंसिल? नहीं 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 नहीं, प्लान किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं होना चाहिए। काम करो, रिस्क लेवल बढ़ा दो। Thank you.
अब एक ऐसी सेंसेशनल वीडियो बनाने वाला हूँ जो आग लगा देगी, आग। नंदा परिवार की रेपुटेशन के चीथड़े उड़ जाएंगे, जिससे एक ऐसी हॉट न्यूज बनेगी कि क्या बताओ। अगर खरीदनी है तो 25 लाख रुपए रेडी रख। करते का ही हाँ बोलो। हेलो सर, ये तुम तो वापस घर के अंदर चली गई। मुझे पता था ताना जी, ये प्लान वर्क करेगा। नहीं करेगा तो ही अच्छा है। इस कच्चे लींबू पे भरोसा करके आपने आपकी 40 साल की रेपुटेशन को गन पॉइंट पर रख दिया है। बोले तो ये नंदस बिचारी को कच्चा छपा जाएंगे। मैंने तो बोला छुप के काम करूंगा, फिर बोला नंदा की रेपुटेशन खत्म। ना तो मुझे काम करते हुए दिखा और तो मुझे भी देख के भाग गया। ये आदमी इस परिवार के साथ कुछ ना कुछ ऊंचा तो करने वाला है, और किसी भी परिवार के साथ मैं तो गलत नहीं होने दे सकती। सोच से जल सोच, टैटू टैटू वाला आदमी कहाँ है? हे अंबे मां, कुछ करो। ये नहीं चलने वाला सेजल, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या पहना था उसने? टैटू टैटू के ऊपर व्हाइट शर्ट, काली पैंट, काली बेल्ट, दो जूते, और जूते में कीचड़। कीचड़ ढूंढ वाइडी, कीचड़ कीचड़। सारे बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर दो, सारे स्टाफ को इकट्ठा करो, सबकी चेकिंग होगी। क्या चुरा कर भागा है? और इस परिवार की जरूरी इन्फॉर्मेशन। मेरे चश्मे की कसम से, मैंने अपने कानों से सुना, वो खुद को साथ फोन पर बात कर रहा था कि जैसी पार्टी शुरू होगी वैसी अपना काम चालू कर देगा और नंदा की रेपुटेशन को आग लगा देगा। और तो वो वीडियो 25 लाख में बेचने वाला था। इस पैन में तो कैमरा फिट है, इसीलिए मैं उसके पीछे भागी। सॉरी, मैं पार्टी की टीआरपी नहीं कम करना चाहती थी। पन्नू आदमी सच में। ओ मेरी माँ, चुप हो जाओ। और तुम लड़की, जाके अंदर मेरे ऑफिस में मेरा वेट करो। दादी की उम्र बा, अंजनी शहर में जाकर अच्छे से रखड़ पट्टी कर लेना हो। बा का विश्वास जीतने का एक मौका मिला था, वो भी गवा दिया मैंने। इंटर्नशिप शुरू होने से पहले ही खाकरा जल गया।